हेलो चिल्ड्रेंस वेलकम माय साइंस पीरियड आपसे भी जानते हो मैं डीएम uh, रोकड़े लास्ट पीरियड हमने देखा था फ्लैश ईटर्स एनिमल्स और उसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्लांट ईटर्स एनिमल्स के बारे में ओके सो एनिमल्स ईट प्लांट्स दैट इज द प्लांट ईटर्स एनिमल्स लाइक दैट काउज बफेलोज हॉर्सेस रेबिट्स एंड ऑल्सो ओके जो सिर्फ प्लांट्स को खाते प्लांट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स उसके बाद हमने देखा था ओके, okay? जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ऐसे एनिमल्स uh, हमने यहाँ पे देखे थे लाइक दैट लायंस है टाइगर्स है uh, उसके बाद ईगल uh, है ये सभी जो है ये फ्लेश मतलब ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, ओके okay? उसके बाद हम देख रहे थर्ड पॉइंट है हमारा सम एनिमल्स इट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स ओके मतलब जो जानवर दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं तो जैसे प्लांट ईटर्स भी है और फ्लेश ईटर्स भी है मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है और जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं, फ्लेश मतलब मांस, ओके okay? प्लांट के साथ साथ फ्लेश भी खाते हैं तो उन्हें जैसे एनिमल्स दैट इट बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स ओके उन एनिमल्स को कहा जाता है ओमनिवर्स मतलब सर्वाहारी जैसे प्लांट प्लांटर्स होते हैं हर्ब्यूर्स कहते हैं हम उन्हें वो होता है शाकाहारी प्राणी ओके okay? जैसे बोलते हैं ना वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन तो आ, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हर्बीवर्स एनिमल्स मतलब शाकाहारी प्राणी और उसके बाद सेकेंड मैंने बताया था आपको ईटर्स ओके okay? फ्लेश ईटर्स मीन्स कि जो मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं ओके okay? उन्हें हम मांसाहारी प्राणी कहते हैं और उसी के बाद अभी आते हैं हम थर्ड की तरफ जो बोथ प्लांट्स एंड ईटर्स ओके मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं तो उन्हें हम ओमन्योर्स कहते हैं मतलब सर्वाहारी मतलब ये अगर किसी पे भी किसी के भी घर में जाएंगे ओमनिवर्स तो ये भूखे नहीं रह सकते ओके लेकिन आ, जिनके घर में आ, वेजिटेरियन खाना होता है तो आ, उनके घर में अगर नॉन वेजिटेरियन चला जाता है तो उसको नॉन वेजिटेरियन खाने को नहीं मिलेगा तो इसी तरीके से आ, ये अपना कार्निवर्स भी है मतलब मांसाहारी जिसे हमने कहा है तो क्या डेली मांस ही नहीं खा सकते ओके okay? मतलब कुछ चेंजेस रहेगा तो बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश तो इन्हें हम कहते हैं ओमनिवर्स एनिमल्स मतलब सर्वाहारी मतलब इन्हें प्लांट्स भी चलता है खाने के लिए मांस भी चलता है okay? मतलब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देन एनिमल्स लाइक द बेयर क्रोग रैट एंड कैट आर ओमनिवर्स ओके ये क्या है ओमनीवर्स है लाइक देट डोग कैट रैट देन काउज सॉरी क्रोज एंड बेयर ओके ये क्या बेयर क्रो रैट और उसी के साथ साथ आपकी जो कैट है डॉग है ये भी ओमनीवर्स में आता है ओके okay? मतलब कैट क्या करती है देखो कैट एक टू तो, uh, जैसे ईटर्स होती है ओके उसके बाद जैसे हमने देखा है कि वो माइस अवे मतलब जो वो चूहे चु, चु, को भी पकड़ती है ओके तो इस तरीके से ये ओमनिवर्स एनिमल्स होते हैं जो बहुत प्लांट एंड फ्लेश होते हैं उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स ईड द ंग्स ईड द रूट लीव स्मस फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो मीट एग एंड मिल्क ऑफ सम एनिमल्स ओके अभी यहाँ पे देखो कि जैसे हमने देखा है कि प्लांट्स और प्लांट्स के अदर पार्ट्स को ह्यूमन बींग्स खाते हैं ओके हम इंसान जो है हम इंसान क्या करते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं लाइक दैट फ्लावर्स फ्रूट्स ये भी हम खाते हैं ओके लीव्स होते हैं मतलब जैसे स्पिनेच है कैबेज है और रूट रूट में अगर देखिए तो रेडिश है उसके बाद गाजर मूली चकुंदर ये सभी हम यहाँ पे खाते हैं, बीट रूट भी होता है ओके okay? तो माइस अवे देन आ, ंग्स ऑल्सो ईट रूट्स लीव स्टेम्स फ्रूट्स सीड्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो मीट एग्स एंड मिल्क ऑफ सम एनिमल्स मतलब हम प्लांट्स से भी अपना फूड प्राप्त करते हैं और उसके साथ साथ हमें जो मीट मिलता है एग मिलता है मिल्क मिलता है ये हमें एनिमल्स से मिलता है ओके तो हम भी ओमनिवर्स है हम भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है जो हम प्लांट्स को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं ओके तो हम भी ह्यूमन बींग्स जो है वो भी हम बहुत ओमनिवर्स में आते हैं जो प्लांट ईटर्स और फ्लेश हैं देन ओमनिवर्स कार्निवर्स अभी देखो कि ओमनिवर्स में भी कार्निवर्स की तरह जो फ्रंट टीथ होते हैं क्योंकि कार्निवर्स में मैंने आपको बताया था फ्रंट शार्प टीथ होते हैं पॉइंटेड एंड कर्व ओके पॉइंटेड एंड कर्व मतलब झुकाव होता है आगे की दांतों में और पॉइंटेड होते हैं कर होते हैं और उसी के साथ साथ ये शार्प होते हैं उसी तरीके से ओमनीवर्स एनिमल्स मतलब जो बहुत प्लांट एंड ईटर्स हैं दोनों भी जो खाते हैं उनके भी फ्रंटित कारनीवर्स की तरह होते हैं मतलब क्या है कि ये पॉइंटेड रहेंगे उसके बाद शार्प रहेंगे और उसी के साथ साथ ये पॉइंटेड भी रहेंगे ओके पॉइंटेड कर्व एंड शार्प ओके भी होते हैं मतलब आ, जो ओमनिवर्स है मतलब बहुत प्लांट एंड फ्लैटीटर्स इनमें जो बैकटीत होते हैं बैकटीत आर फ्लैट दिस इज द ग्राइंडिंग और बाइट करने के लिए जिस तरीके से हर्बीवर्स में हमने देखा है बाइट करने के लिए फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं लाइक दैट इंसीजर्स ओके वो कई चीज ऐसे दांत होते हैं जो तोड़ने के काम आते हैं तो ओमनिवर्स में हार्ब्यस की तरफ फ्रंट टीथ जो होते हैं तो ये uh, इनके फ्रंट टीथ uh, किस तरीके से होते हैं हार्ब्य मतलब बाइटिंग टीथ ओके जो काटने के काम आते हैं बाइटिंग टिथ इनमें बाइटिंग टीथ होते हैं एंड पीसेस ऑफ मीट एंड फ्लेट आर यूज टू चीव द फूड वेल और उसी के साथ साथ फ्लैट जो बैक्टीज होते हैं जिन्हें प्रीमूलर्स और मूलर्स कहते हैं वो भी इनमें वेल डेवलप होते हैं और इस उसका यूज़ वो अपने खाने को चबाने के लिए करते हैं ओके दैट इज अचीव द फूड वेल मतलब फूड को अच्छे से चबाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है अभी हमने देखा है लाइक दैट बेयर पिग है क्रो है ये क्या है ये सभी आपके ओमन्यूर्स एनिमल्स है बोथ प्लांट एंड फ्लाई शीटर्स ओके मतलब बेयर जो है बेयर प्लांट्स भी खाते हैं और उस, दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं उसके बाद क्रो है पिग्स है ओके मतलब सुअर जो होता है सुअर भी क्या करता है प्लांट्स भी खाता है और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं ओके तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है उसी के साथ साथ आज हम रुकेंगे यही पे एनिमल्स इट बोथ और मिलते नेक्स्ट पीरियड में सम एनिमल्स इट इंसेक्ट दे आर कॉल्ड इंसेक्ट इटर्स इंसेक्ट इटर्स जो होते हैं ओके इंसेक्ट इटर्स देख लेती इसको इंसेक्ट इटर्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्ट इटर्स इंसेक्ट इटर्स जो है यहाँ पे आपको बताया गया है ओके यही इंसेक्टिटर्स जो होते हैं जो सिर्फ इंसेक्ट्स को खाते हैं इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े होते हैं ओके इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल्स इन द अर्थ मतलब हमारे पृथ्वी का सबसे जो स्मॉलेस्ट एनिमल है वो है इंसेक्ट ओके okay? मतलब जो कीड़ा होता है ये कीड़े हमारे पृथ्वी पर सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल्स है ओके okay? ये बात ध्यान में रखना uh, जो सिर्फ इंसेक्ट्स को खाते कीड़ों को खाते हैं दे आर कल्ड इंसेक्टिटर्स लाइक दैट स्पाइडर स्पाइडर वेव्स ऑफ वेब ओके स्पाइडर क्या करता है स्पाइडर वेब क्रिएट करता है ओके okay? स्पाइडर uh, क्या करता है वेब क्रिएट करता है देन टू ट्रैप इंसेक्ट्स मतलब uh, जो स्पाइडर uh, होता है स्पाइडर एक वेव्स क्रिएट करता है किस लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए उसको पकड़ने के लिए और उसी के साथ साथ ये जो इंसेक्ट इन, ईटर्स होते हैं इन्हें हम इंसेक्टिवर्स कहते हैं इंसेक्टिवर्स एनिमल्स मतलब जो सिर्फ कीड़े खाते हैं लिजर्ड आपने देखा है छिपकली हाउस लिजर्ड जो होती है हाउस लिजर्ड आप जहाँ पे लाइट होता है उसके आसपास ही रहती है ओके हाउस लिजर्ड जो होती है उसके आसपास ही रहती है और आप ऑब्जर्व करोगे कि लाइट पे या फिर उसके आसपास जितने भी कीड़े आते हैं उनको खाने का काम हाउस लिजर्ड का होता है ओके मतलब हाउस लिजेंड क्या करती है कि उन सभी कीड़ों को खा जाती है ओके तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो इंसेक्ट इटर्स है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं कीड़ों को खाते हैं ओके और कीड़े जो होते हैं इंसेक्ट जो होते हैं इंसेक्ट्स हमारे पृथ्वी का सबसे छोटा जानवर है ओके छोटे एनिमल्स हम इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट एनिमल्स उसके बाद फ्रॉग देखिए फ्रॉग भी क्या है फ्रॉग भी इंसेक्टिटर्स है ओके फ्रॉग के पास फ्रॉग के पास लॉन्ग स्टिकी होती है ओके लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होती है जिससे वो क्या करता है कि एक बार आ, अपने टंग यानी जीव अपनी बाहर निकाल के आ, अगर उस उनके टंग के ऊपर कोई भी इंसेक्ट्स आके बैठते हैं तो वहाँ पर चिपक जाते हैं क्योंकि उनकी जो टंग होती है वो स्टिकी होती है चिपचिपी होती है ओके okay? मतलब एक का लिक्विड उनके टंग के ऊपर होता है तो आ, ये क्या करते हैं उस इंसेक्ट्स को आ, जैसे टंग बाहर निकाली है और कुछ इंसेक्ट्स वहाँ पे बैठ गए तो क्या करेंगे वो उड़ नहीं पाएंगे क्योंकि टंग स्टिकी है चिपचिपी है तो उसके ऊपर वो चिपक गए चिपकने के बाद क्या होता है कि टंग वो फिर से अंदर लेते हैं यानी इस तरीके से फ्रॉग का खाना भी हो जाता है एंड फ्रॉग एंड स्नेक्स स्वेलो देयर फूड ओके ये भी बात ध्यान में रखना कि फ्रॉग और स्नेक होते हैं ये खाने को चबाते नहीं है ये उसे निगल जाते हैं ओके okay? ध्यान में रखना ये उसे क्या करते हैं पूरा निगल जाते हैं ओके सपोज ईट स्नेक ईट रैट अभी स्नेक ने रैट को खाया है तो वो क्या करेगा पूरा जो चूहा होता है वो पूरा चूहा उनके पेट में चला जाता है ओके इसको चबाते नहीं रहते ध्यान में रखना तो इस तरीके से मैंने आपको बताया इंसेक्ट ईटर्स जो होते हैं इंसेक्ट ईटर्स जो कीड़े खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टर्स एनिमल्स कहते हैं ओके मतलब कीड़े खाने वाले जानवर कीड़े खाने वाले एनिमल्स ओके तो आ, स्पाइडर के बारे में बताया मैंने आपको उसके बाद हाउस लिजर्ड बताया उसके बाद फ्रॉग्स भी हो गया ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्पाइडर क्या करता है स्पाइडर अपने आ, शिकार को पकड़ने के लिए एक वेव्स बनाते हैं एक ट्रैप बनाता है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं फंस जाते हैं और बाद में वो जो स्पाइडर है वो स्पाइडर उन इंसेक्ट्स को खा जाता है उसके बाद हाउस लिजर्ड बताया मैंने हाउस लिजर्ड आपके लाइट घर के घर में जो लाइट होता है उसके आसपास ही हाउस लिजर्ड होती है क्या करती है कि वहाँ पे जितने भी इंसेक्ट्स चढ़ते हैं उन सभी इंसेक्ट्स को खाने का काम करती है और उसके बाद फ्रॉक्स बताया था फ्रॉक्स एंड स्नेक्स वेलो देयर फूड मतलब फ्रॉक्स और स्नेक्स जो होते हैं ये उस खाने को निगल जाते हैं ओके और बाद में उसको पेट में ही डाइजेस्ट करते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था प्लांट टीटर्स उसके बाद फ्लेशटर्स उसके बाद बोथ फ्लैश फ्लेशटर्स और उसके बाद इंसेकट ईटर्स ओके आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी जिनको भी इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है वो इस वीडियो को रिपीट देखें ओके okay? यानी दोबारा इस वीडियो को देखना है कि जिससे कि आपका नॉलेज परफेक्ट हो आपको जो कुछ भी आपके बुक्स में दिया है आपको समझ में आए ओके okay? तो आज हम रुकेंगे यहीं पे गुड बाय टेक केयर थैंक यू